अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडम्स एप्पल, जहां हर हफ्ते हम मिलते हैं कश्मीर के अनोखे टैलेंट से, उनके साथ करते हैं थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा मैजिक और ढेर सारा फन। एंड इससे पहले हम स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सीजन 2 इज कमिंग। एंड जैसा कि हमने बोला कि हम प्रमोट कर रहे हैं रॉ फेसेस, उसमें तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर इन दैट। एंड आज के जो हमारे गेस्ट है, एक डीओ है जिन्होंने ऑलमोस्ट 7 साल एक साथ काम किया है। फ्रॉम वन साइड एक लड़की, ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं उसको, नरगिस खातून, जिन्होंने परफॉर्म किया अक्रॉस इंडिया, न्यूज़ में आपने देखा होगा, रेडियोज़ में देखा होगा उसको अक्सर। एंड फ्रॉम द सेकंड साइड वी हैव आसिफ, जिन्होंने संजल में विनर रहे थे, उसके अलावा बॉलीवुड के कई सारे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एक्चुअली। एंड इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमेशा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हर एक आर्टिस्ट से होता है, व्हाई दिस फील्ड, starting from you. Why this field? Because I have always loved to sing. Even when I was 4 or 5, I was very fascinated by human voices. I'm still fascinated by human voice. I feel that it is the most complex and most interesting instrument that you can कोई भी tune निकाल सकते हो आप, और आपको पता नहीं कि आप कहाँ से कौन सी tune निकल रही है. Like you know, if you learn an instrument, you know this note is here, this chord is here. Mm-hmm. But when you are studying human voice, आपको नहीं पता कहाँ से कौन सी चीज़ निकल रही है. So I'm very fascinated by it, and I have always loved to sing. And जब मैं छोटा था तो मैं जब सॉन्ग सुनता था तो मैं ऐसे हाथ को ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था, मुझे गाना है, मुझे गाना है। एंड मुझे एक फील आता है, मौसीकी यही है, फील होना चाहिए। एंड गिटार में कैसे? गिटार उसकी एक लंबी स्टोरी है, फेयरवेल था, कुछ लोग आए थे तो मुझे भी शौक हुआ, मैंने भी क्या सीखा वो है, तो और जैसे मेहनत कर ली इस पर तो आ गया। ओके, एंड हम एक सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तो हमने पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कौन आने वाला है, तो लोग हमें यूजुअली पूछते हैं कि इसको कुछ पूछना। सबसे पहला इंसिडेंट रिसेंटली कुछ आप दोनों का है, एक्सीडेंट हुआ है तो हमने बोला इसको उसके बारे में पूछना। एक्चुअली रिसेंटली है, कुछ मंथ्स हो गए। ओके, हमारा एक परफॉर्मेंस रिसेंटली होता है। ओके, अच्छा, हमारा एक परफॉर्मेंस था, सो वी वर सपोज्ड टू बी ऑन द रिहर्सल सेशन एक दिन पहले। हम हमेशा लेट होते रहते हैं अक्सर, बिकॉज वी आर जगलिंग विद टाइम। सो हम एक गली में पहुंचे लाल चौक साइड से, और एकदम हमारी स्कूटी गिर गई नीचे, एक्सीडेंट हो गया। तो इसने हेलमेट लगाया था, अब इसका सर ही फटा उस दिन, लेकिन मुझे इसको ऐसे गिर गया। हाँ, अब इसको बहुत ज्यादा लगी थी इसकी टांग में, तो ये पहले टांग पकड़ गया उसके पीछे। मैं ऐसे टांग अनसी हुई, मुझे पूरा डर के सुनती को उसके पीछे दौड़ रहा, वो भाग गया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। इन्होंने पूछा कि स्कूल में पता नहीं नॉटी थी, क्या है, क्या शरारत की है तूने स्कूल में। आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट, तो 10th तक मैं तो वो वाली स्टूडेंट थी, किसी ने कुछ किया तो शिकायत लेके जाओ। तो 10th में मुझे फिर लगाया थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी लीनियंट हो गई। तो एक बार जानबूझ के हमने एक टास्क दिया टीचर ने, हमने नहीं किया, हमारी इंग्लिश टीचर थी, शी वाज वेरी गुड, लेकिन अब उनने टास्क दिया था ना, हमने नहीं किया था, तो उनको गुस्सा आ गया। उसके बाद हम हंस रहे किसी जोक पे, उन्हें लगा हम उन पे हंस रहे, तो शी वाज लाइक बोथ ऑफ यू फॉरगेट अप, तो इस चीज़ में हमें और हंसी आ गई। फिर हमें मुर्गा बनाया, मतलब 10th में, 10th तक हम इतने अच्छे थे। मैं 10th तक एक्चुअली बहुत बुरा था, और हम मुझे हमेशा स्कूल से बाहर रखते थे, क्लास से बाहर रखते थे एक्चुअली। और एक बार मैं पूरे 2.5 महीने बाहर आऊँ क्लास से, मैं स्कूल आता था, मुझे बाहर खड़ा करते थे और क्लास वापस घर जाता शाम को। 2.5 महीने को मुझे प्रिंसिपल बोलता था पापा से लिख के ला। फिर पास निकले थे। एक दिन मैंने फेक साइन किया पापा का, तो उन्होंने पापा को कॉल किया था, उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं किया साइन, 2.5 महीने रखा बाहर, पूरे 2.5 महीने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आसिफ। हाँ, कुछ बोला कुछ इसको, रात के 4 बजे कहीं पर गिटार लेके पकड़ा गया है, क्या इंसिडेंट है? मतलब म्यूज़िक इतना प्यार है इस चीज़ से, प्रोग्राम था किसी जगह, ऐसे ही पार्टी थी कुछ, तो मैं आ रहा हूँ वापस, मायने चल रहा है, और मुझे सर का स्कूटर है, LML स्कूटर। okay. पहले वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मैं किक्स मार रहा हूँ उसको, हो गया वो स्टार्ट, करते हैं ना ऐसे फूक मारते हैं पेट्रोल को, बेकर कोरमे ला रहे करा ये गो से स्टार्ट। अब जब मैंने गेयर होता है ना उसको ऐसा, अब मैं निकल रहा हूँ, गिटार मुझे पीछे है, आगे मुझे कुछ और चीज़ था, तो मैं चल रहा हूँ एंड मुझे रोका ऑफिसर्स थे कुछ, ऐसे पीछे था, ऐसे बंदूक लेके आए, डंडा लेके, रुको क्या, कौन है बस सर म्यूजिशियन ऐसे म्यूजिशियन हूँ। फिर उन्हें रुका, बोला कहाँ थे वो ये, तो फिर मैंने गिटार निकाला, वहाँ पर मैंने एक सॉन्ग गाया था ऐसे, हाँ मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं क्या करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, कि इसकी बाइक के साथ बहुत बनती है। रमजान चल रहा था, मेरे अंकल ने मेरे लिए डेट्स लाए थे। ओके, तो आई डोंट लाइक शेयरिंग माय फूड एट ऑल। वो आया, जा सका है वो खाना, दिखता तो नहीं है कहीं, सीक्रेट। तो उसने बहुत
मतलब तंग लाया मुझे, मेरे को भी चाहिए, तो मुझे गुस्सा आता है बहुत गंदा। मैंने ऐसे ही मतलब मेरा इंटेंशन ही था, मैंने कुछ पुश किया उसको, तो उसका जो सारे ना दीवार पे होता ऐसे टकरा गया, फिर उसको स्टिच आई तो उसके बाद वो डेट्स भी उसी को दिए होंगे। नहीं उसके बाद में बड़ी खतरनाक है इंजरी से मुझे आपका इंजरी का निशान आप पे भी है। आपको पता है जब मैं कहीं जाता हूँ ना मुझे दो सवाल पूछते हैं। okay. पहला सवाल ये रिंग्स दो क्यों लगाते हो? okay. दूसरा सवाल ये क्या है? ठीक है तो मैंने नहीं किया। मैं इसका कहूँगा मैं बचपन था तो अरफा था, कल ईद थी, अरफा था तो आते हैं ना झूले पार्क में आते हैं, तो मैं गया कुछ था हाथ में, तोड़ दिया हमने ताला उसका झूले का, चढ़ गए झूले पे हम, सवारी करें मैं गिर गया नीचे तो लग गई इस पे, तो सेवन स्टेज आई थी। तो कल जब ईद थी, अब ईद थी लगी है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन है, तो निकला मैं पिस्टल इतना बड़ा लेके कराओ मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता था ये दो अंगूठियां क्यों पहनते हो। मतलब ये मेरी दादू की है। okay. और ये मेरी अपनी है। okay. उन्होंने दी थी वो, इनकी था वो। okay, निशानी है। हाँ। चलो नाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, इसने अनार की चोरी में एक्सपर्ट है। नहीं मतलब मुझे लगता है ना कि चोरी के खाने में थोड़ा मजा आता है ज्यादा। हाँ। तो मेरी फ्रेंड और मैं ईद के दिन शाम के 8 बजे आई थिंक हम एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 5 साल पहले आई थिंक, तो अनार का पेड़ था, वहाँ से कोई आंटी आ रही है, उन्होंने दूर से बुलाया हमें, सो हमने लाइटली लिया उनको, सामने जब हमने अनार अनार तोड़ा सामने वो उसी गेट से चली गई, बाद में पता चला कि उन्हीं का पेड़। हम बोलते थे कि लड़ चोर करने सवा बचपन में बोलते हो अलग ही मजा आता, ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने पहली बार सुना चोरी के खाने का मजा। मैं क्या चुराऊं? हम बचपन में चुराते थे ईद पे, एक्चुअली चुराते थे हलवा, जब होते थे ना हलवा वाले होते तो उनको हलवा चुराते थे, बिल्कुल शायद उसमें मजा आता था, बिल्कुल सही है। रिसेंट तुम लोगों को स्कूटी का इंसिडेंट है आपका, क्या हुआ है स्कूटी पे? स्कूटी पे हाँ तो बोल दिया हमने, किया था नहीं कुछ और हुआ था स्कूटी पे। स्कूटी पे आप विंटर्स में स्कूटी आप दोनों ने शायद राइड की है, मतलब वो तो फनी चीज नहीं, वो तो इतना है मतलब नो वी लव म्यूजिक सो मच दैट सम टाइम देयर इज अ शो वी हैव टू स्टे अप टू मिडनाइट एंड इन माइनस चल रहा होता है तो स्कूटी को ड्रन ड्रन करके चलाना पड़ता है। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो शायद ये ठंडा भी होता है बट उसमें मजा भी आता है कि जब बर्फ होती है हल्की हल्की और जब स्कूटी पे चलते हैं तो बट एज तो मजा नहीं आता। एग्जैक्टली ठंड बहुत होती है, हाथ भी नहीं मतलब चल रहे होते हैं, हफ्ते में 4 बार शनिवार होनी चाहिए। ओके ईदी हां बोला इसको कुछ ईद पे कुछ होता था ईदी। अच्छा हाँ वो हम फ्रेंड्स के साथ घूमने गए थे एक बार तो हमने सारी ईदी खत्म की। हाँ। तो हम एग्जैक्टली जामिया मस्जिद के बाहर थे और हम अजान होने लगी शाम की, अब लगा नहीं अब घर जाना है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम ऑटो वाले के पास चले गए, अंकल हमें घर छोड़िए वहाँ पर मतलब पैसे दिला देंगे, तो उन्होंने हमें 2 रुपये दे दिए, 3 लोग थे तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे होके ड्राइव गेड़ खसे हुए गाड़ी जा रही थी, तो उस टाइम पे जब बचपन में चढ़ते हैं ना ईद ईद पे तो बच्चे नहीं पैसे देते ना। hmm. अब लेकिन वो कंडक्टर है ना वो भैया हमारे पास आए बोला कितने पहुंचो, मेरी फ्रेंड वाज अबाउट टू से 2 रुपए okay. तो मैं उसको पिंच किया, मैंने बोला भैया हमें 1 रुपया है, उसने बोला ठीक है दे दो, हमने दिया 1 रुपए, फिर जब हम उतरे मतलब जहाँ पे स्टॉप पे उतरे उसके बाद हमने वो 1 रुपए में कुछ खाया आई थी। कितनी फ्री है ये पहले से खा रहा और जो लोग हमको देख रहे हैं उनको शायद लगता है कि पतली सी लड़की है बहुत फूडी है, दिन भर कैफे में होती है, और जब मैं इसके साथ पहली बार मेरा इंसिडेंट हुआ था कैफे में मिले थे और मैं देख रहा हूँ एक लड़की पागलों की तरह खा रही है गिटार साइड, तुम शायद थे ना, तुम शायद इजीली लाल चौक में कैफे में नाम नहीं लूंगा उसका प्रमोशन नहीं करनी है। ये बजा रहा है साइड में एक लड़की खा रही है, खा रही है, मुझे लगता है ना मुझे दो चीजें जिंदगी में बहुत पसंद है, खाना और गाना, आपने मैं वो खाता नहीं, मैंने एक बार खाई होगार्ड उसको बोलते हैं, बिल्कुल मैंने अभी तक नहीं खाई है, उसका स्मेल भी थोड़ा है लेकिन आई लव फिश टू बट होगार्ड मैंने नहीं खाई है, कुछ मैंने एक्चुअली हाँ मैंने वियर्डेस्ट चीज मुझे क्रैब खाने का बहुत शौक था, नहीं बहुत टेस्टी था बट मैं मुंबई गया तो बट उसमें कुछ था ही नहीं, वो छोटा सा क्रैब था उसमें, फिर मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ की वियर्डेस्ट चीज़ है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, उससे पहले हम एक ट्रिक करते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, रेडी? एक ट्रिक है, ट्रिक मैं आप दोनों को लिंक करता हूँ, लिंक कैसे मैं आपको बताता हूँ, दैट मेरे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स के बारे में कुछ पता है? हाँ थैंक यू। ओके एटलीस्ट इतना पता है ना कि इसमें जो कार्ड्स होते हैं ना सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, मेक श्योर रेड एंड ब्लैक कम्प्लीटली मिक्सड अप है और हर एक कार्ड डिफरेंट होता है। ओके परफेक्ट, हम एक काम करते हैं मैं ऐसे करूंगा आपको कहीं पे स्टॉप बोलना है जहाँ पे आपकी मर्जी है, रेडी? यहाँ पे ये चेंज करना है, नहीं यही है आपको इसको नहीं दिखाना है बट आई जस्ट
आपको ये कार्ड देखना है खुद भी और कैमरा को भी दिखा, बट इनको नहीं दिखाना. परफेक्ट. और इसको वापस डालना है. परफेक्ट. नाउ खाली आपको और लोगों को पता कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया. मैं इसको थोड़ा सा शफल करता हूँ ऐसे. अब हम देखते हैं क्योंकि आप लोग 7 साल से एक साथ हैं, तो मैं सेम प्रोसीजर में आपके साथ करूंगा. मैं इसको रिफिल करूंगा, आपको स्टॉप बोलना है. विल दिस बी ऑसम जो कार्ड इसने चूज किया, क्योंकि हमको नहीं पता वो कार्ड कहाँ पे है. कि आप भी वही कार्ड चूज करो. ऑब्वियसली सही बात है. ओके स्टॉप यहाँ पे. या चेंज करना है? नहीं बस. ओके आई जस्ट नीड यू, आप एक कार्ड अपने हाथ में, इसको नहीं दिखाना. एंड बिफोर आप हमको दिखाएं, आप अपना कार्ड बोलेंगे. उस पे 8 लिखा था. 8 लिखा था. रेड कलर कौन सा था? रेड. और क्या हार्ट था कि डायमंड था? एक बार कार्ड दिखाओ. ये तो नहीं था? हाँ यही था. नाइस. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. मेरा फेवरेट है एक डियर. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो भी आर्ट्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको कुछ फनी डियर करने को देते हैं. बट सिंस आप दोनों म्यूजिक फील्ड से हैं तो मैं आपको एक फनी डियर देता हूँ. आपको कुछ भी जो आपको माइंड में आए, कोई बात इसको बोलनी है बट सीटी में, सीटी बजा के. एग्जैक्टली. तो ये गैस करेगा एंड देन ये सीटी बजाएगा और आप गैस करेंगे. तभी तो दे रहा हूँ ऐसे करो ना. हाँ कुछ भी जो कोई भी. चलो पहले ये करेगा, आप गैस करो, उसके बाद आप करो. मुझे भी नहीं आती है थोड़ा सा. नहीं ये तो क्यों बोली, तो मुझे भी आया. ये तो सुन क्या है, बात कोई बात बोलनी है. अच्छा बात बोलनी है. हाँ सिटी में. तो इसको गैस करना कि आप क्या बोल रहे हैं. कोई वर्ड, कोई सॉन्ग नहीं बोल सकते. सॉन्ग तो मैं भी गैस कर पाऊंगा. कोई भी टफ, कोई भी टफ सॉन्ग बोल. चलो ठीक है. सुनने लग रहा. रुको रुको. ही गया क्या यार. ओके तुम ट्राई करो पहले, देखते हैं जो भी आवाज तुमको निकलेगी. चलो हमिंग में कुछ गाओ, इसको बोलो, इसको समझ आ जाएगा. चलो हम में कुछ या वो वियर्ड वियर्ड वॉइस निकले जो भी होगा, इसको गैस करने के लिए डिफिकल्ट बनाओ. क्या ये सॉन्ग है? हमने कल ही जाम किया था, साउंड चेक किया था. जान बन गए? नहीं ये कौन है, मुझे तो नहीं लगा ये कोई गाना है. अब तुम ही बोल दो कौन सा गाना है. हेलो इट्स मी. मेरे को इंग्लिश काफी गंदी है. इतने गंदे लगते हैं मुझे गाने. आज तुम्हारी गंदे लगते. आज तुम मेरी नजर में गिर गए. अब आपकी बारी. वो सीटिया ठीक है. इसने तुमको हरा दिया है तो तुमको भी कुछ डिफिकल्ट करना पड़ेगा. मैं कर दूंगा. पानी पी लो. दिवाली का धमाका लगता है ना फटेगा. मैं भी ऐसे ही बोल जैसे बोल रहे. मैं इतना बुरा सिंगर नहीं हूँ. ये कौन सा गाना था मुझे भी समझ नहीं आया. चलो एक बार ट्राई, एक और बार ट्राई मैं बताता हूँ. ठीक है. मुझे देखिए ये पागल है. किसी को नहीं आया. मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम. ओके बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, हम थोड़ा सा सुनेंगे आप दोनों से, तो जो भी आप सुनाना चाहेंगे. बट बिफोर आप स्टार्ट करें, इनको सुर नहीं देना, इनको डिस्टर्ब होता है. मैं स्टार्ट करूं पहले? मैं जैम भी करोगे जो भी आप लोगों को अच्छा लगे. मैं एक सॉन्ग गाऊंगा. ओके काफी पसंदीदा सॉन्ग है मेरा, काफी मेरे दिल के करीब है, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है. क्यों है रहती तो है? क्योंकि ब्रेकअप हुआ है. काफी टाइम हुआ उसका लेकिन अब अच्छा लगता है. अभी जो आप कह रहे थे मतलब हुआ है.
इसका मैं एक बीच वाली लाइन बोलूंगा, पहले से नहीं। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, भी बेजार हो बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा ये मेरी डगमगाते कदम, साथ देती परछाइया और मेहरबान हो रहे हूँ, तेरे बिन भी दम तुझे कितना चाहे और हम ओ ओ ओ जिस अंदाज से गा रहे थे ना आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे थे अपने एक्स को, तो वो दर्द फील आ रहा था, ऐसे नहीं जैसे इसके चेहरे पे शक्ल आ जाता है ना, ये मैं सोच रहा था बस ऐसे अच्छा लगता है किसी और को कर रहे थे अब इसके बारे में देखा सही में न्यू पीपल I don't know why apna hi gaana hai. I don't know why it's my favorite. Achha, it hits me. Mujhe laga. Kya barishon ki ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमारे पास फाइनल सेक्शन है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ वियर्ड, अगर आपने किया है तो आप हाँ बाया दिखा सकते हैं, अगर नहीं किया तो ना बाया दिखा सकते हैं, रेडी? यस। सो सबसे पहले बट बिफोर हम स्टार्ट करें, मेरे एक क्वेश्चन है, एक कौन सा वो र्यूमर है जो आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में फैलाया या फैलाना पसंद या पसंद करेंगे इन केस कभी मौका मिला? अच्छा, फैलाना पसंद करेंगे। हाँ मैं तो ये वैसे ही रूमर नहीं है, सच भी है दैट ही इज अ वेरी अमेजिंग प्लेयर और बुकिंग फॉर शोज। ये रूमर थोड़ी है, ये तो तैरी पे इसकी तो तैरी रूमर। अच्छा रूमर ये कि इसने ये मतलब खाने के बहुत शौकीन है, तो मैं रूमर ये फैलाना पसंद करूंगी कि आसिफ ने खाना छोड़ दिया और बहुत कम खाता है। नाइस, अबाउट हर रूमर नहीं है, एक बात कहूंगा काफी ज्यादा गुस्सा करती है वो तो है और फिर ये लोगों को ब्लॉग भी करती है, पागलों की तरह है मन ही मन कभी स्पीच तैयार किया कि जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो मैं ये बोलूंगा, अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा, करता है हर कोई करता है? नो नहीं, मेरे को हमेशा पता है अंदर से क्या। ओके एटीएम पे कभी गए हो तो ये लगता है ना पीछे वाला हर हमेशा ये शक होता है कि ये चोर या रेडी मनी चाहे देख रहेगा, वियर्डेस्ट मोमेंट कौन सा एटीएम का? एक बार मैं पैसे निकाल रहा था तो एक बंदा आया हुआ ऐसे आया सीधे ऐसे बैठे, ये क्या मुझे पीछे से कर रहा है,
ऐसे देख रहा था, पता नहीं मैंने बोला भाई पीछे सर थोड़ा, फिर मैंने कश्मीरी की याद है ना, बाहर भी वेटी करना अंदर भी वेटी करना, मगर हमको अंदर घुसना पसंद है। साठ प्यार किए हैं। अच्छा ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप दोनों का इसमें जुड़ने के लिए। बिफोर हम इसको एंड करें, एनी फाइनल मैसेज टू द फैंस, टू द यूथ आउट देयर फ्रॉम यू? फाइनल मैसेज, आई थिंक इट्स अ थैंक यू नोट टू एवरीवन हु हैज बीन सपोर्टिंग मी, एप्रिशिएटिंग मी, बिकॉज़ आई एम मोस्टली ऑल द टाइम्स वेरी मोटिवेटेड टू डू व्हाटएवर आई लाइक, व्हाटएवर आई लव टू डू, आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन इट, बट एट सम पॉइंट आई गेट सो लो, और फिर बीच में किसी का इतना बड़ा सा वो पैराग्राफ जैसा मैसेज आता है लाइक ओह नो आई एम डूइंग गुड, सो जस्ट थैंक यू टू एवरीवन, एंड आई वांट टू से कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है लिव एंड लेट लिव, जब तक कोई आपको हार्म नहीं कर रहा ना, जीने दो, हंसो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूँगा, अगर कोई सीखना चाहता है तो, अगर इसको सीखना है तो दिल से सीखो, और किसी को दिखाओ मत कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, और बाहर मत निकलो, जो निकलता है बाहर पीछे से एक कॉर्ड सीख लिया, अगर सीखना है अच्छे से सीखो, दिल से सीखो और दिल से बजाओ और अपने लिए प्ले करो। ओके थैंक यू सो मच, एंड बिफोर वी लीव हमारे पास आपके लिए कुछ है टू द ग्रुप फॉर परफॉर्मिंग 7 years टुगेदर। थैंक यू सो मच। एंड बहुत कम आजकल के जमाने में ऐसे देखता है ना कि इतना लंबा रिलेशन किसी का चलता है, चाहे दोस्त हो चाहे जो भी हो, तो इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस 7 years आपके आज कंप्लीट हो रहे हैं, एंड थैंक यू आप सबका, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते देखते हैं, तो कीप शेयरिंग, कीप लविंग। अल्लाह हाफिज़।